morning dear students, welcome again in the online classes SPPS. In this video for 11th class in English Hornbill, today I will teach you chapter number 3. Aapka chapter 3 hai, Discovering Tut, the saga continue. इसके बाद युग जारी रहता है. ठीक है, तो मेन थीम ऑफ द लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू, जो मुख्य विषय वस्तु होते मैं बताऊंगा क्या होता है. द लेसन डिस्क्राइब, ये जो पार्ट है वो वर्णन करता है द हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल इवेंट, एक ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल घटना को, दैट टुक प्लेस, जो घटित हुई थी ऑन January 5, 2005 को, January 5, 2005 को. ऑन दिस डे, इस दिन क्या हुआ था, द रिमेंस ऑफ किंग टुट, जो अवशेष से डेड बॉडी के, राजा टुट के बर्ब ब्राउट आउट, उसे बाहर निकाला गया था, ऑफ से द ब्यूरियल चैम्बर, उसके जो दफन चैम्बर था कब्र से, एट 6 PM 6 बजे शाम के, फॉर अबाउट 3 आवर, फॉर तक लगभग 3 घंटों तक, एंड सिटी स्कैन वाज कैरीड आउट, और इस सिटी स्कैन जिसका फुल फॉर्म कंप्यूटिव टोमोग्राफी होता उसको किया गया था. रॉबर्ट कार्टर हैड फाउंड द टॉम, उन्होंने इसका पता लगा, इसकी कब्र का पता लगाया था इन 1922 में, सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक तरीके से इंटैक्ट. इट कंटेंट स्प्लेंडर गोल्डन ज्वेल, इसमें था, इसके टॉम में था शानदार सोने के आभूषण थे, एंड आर्टिफैक्ट्स थे, एंड द किंग्स 3 गोल्ड कॉफिन्स, और राजा के 3 सोने के कॉफिन बने हुए थे. किंग टुट वाज द लास्ट किंग, किंग टुट अंतिम राजा था ऑफ द 18th डायनेस्टी, 18वीं वंश का, एंड डाइड यंग अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत ही जवान मर गया था. हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, इसका नाम था एमेनहोटेप 3rd, हैड रूल, उन्होंने राज कर चुके थे फॉर अबाउट 40, लगभग 40 सालों का. हिज रेन वाज द गोल्डन पीरियड, उनका राज्य एक सुनहरा युग था ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का. एमेनहोटेप 4th, टुट्स फादर, जो कि टुट के पिता थे, चेंज द रिलीजन ऑफ द कंट्री, उन्होंने उस देश के धर्म को ही बदल दिया था. टुट रिस्टोर द वर्शिप ऑफ एमम, टुट ने पुनः स्थापित की थी पूजा ओनम, जो सन गॉड होता है. किंग टुट्स मनी वाज द फर्स्ट वन, देखिए राजा टुट की मनी पहली मम्मी थी. हाँ, वन ऑफ टू बी सब्जेक्ट है, जो उसका सब्जेक्ट था टू सिटी स्कैन के लिए, अर्लियर पहले इन 1922 में. कार्टर हैड द मम्मी कट, कार्टर इस मम्मी को काट दिया था इंटू सेवरल पीसेस, कई भागों में, इन ऑर्डर टू फिट इट, इसे लिफ्ट उठाने के लिए फ्रॉम द कॉफिन से, टू बी जिसके लिए इट हैज स्टक ड्यू टू द हार्डन रीजन, ये इसमें चिपक गई थी जो कठोर रीजन था, कोई गोंद होगा. दिस सिटी स्कैन पिक्चर्स ऑफ द मम्मी शॉट, जो सिटी स्कैन की तस्वीरें थी उस मम्मी की, वो दर्शाती थी कैरेज ऑफ द वर्टिब्रा, हेड, सर को, हैंड, रिब केस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और अन्य हिस्से बॉडी को. एंड व्हेन द सिटी स्कैन वाज कंप्लीटेड, जब सिटी कंप्लीट किया गया, इट वाज फाउंड दैट नथिंग अननेचुरल वाज हैपेंड टू द किंग, उस राजा के साथ कुछ भी अननेचुरल नहीं, एंड ही डाइड इन नेचुरल मैनर. After CT scan, the mummy was again put into the coffin and buried into its burial chamber, उसे दफन कर दिया गया था. ठीक है, ये तो कहानी होती है इसकी. Now main story, I have told you as a homework. I will also give some of the question. मैं आपको कुछ question दूंगा homework रूप में. Your question number first will be, who was Howard Carter? Howard Carter कौन थे? Who was Howard H-O-W-A-R-D Carter, कौन था? What was his discovery? उसकी क्या खोज थी? What was his discovery? Question number second will be your, Why was Tut's money scanned after so many years? Why was Tut's mummy, Tut's ki mummy ko scan kiya gaya tha?
स्कैंड आफ्टर सो मेनी इयर्स। These are the two questions and also try to give answer some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.